समाधान यात्रा के तहत मुंगेर पहुंचे सीएम नीतीश, कई विकास योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। प्लास्टिक प्रोसेसिंग यूनिट का किया शुभारंभ। समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को निर्देश दिए। पटना में जेडीयू एमएलसी राधाचरण सेठ के कई ठिकानों पर आईटी की छापेमारी। दिल्ली, आर और पटना के दफ्तर में छापेमारी जारी। छापेमारी के दौरान सुरक्षा को लेकर भारी संख्या में तैनात रहे एसएसपी के जवान। बालू के कारोबार में गड़बड़ी कर टैक्स चोरी का आरोप। जेडीयू के विधान पार्षद राधाचरण सेठ के आवास पर रेड पर सियासत गरमाई। जेडीयू ने राधा साधा निशाना कहा। छापेमारी बीजेपी का एजेंडा। आरजेडी ने कहा विरोधियों पर छापेमारी कोई नई बात नहीं। मोतिहारी में कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत। नेताओं का स्थानीय कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। भागलपुर में लोजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेणु कुशवाहा ने उपेंद्र कुशवाहा पर साधा निशाना कहा। सीएम के डील नहीं होने पर कुशवाहा हुए बागी। रेणु कुशवाहा ने कहा कि वो पहले भी कई बार नीतीश के साथ जा चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा को सीएम नीतीश ने दो टूक कहा कि जेडीयू छोड़ने के लिए स्वतंत्र रहें क्योंकि वो बीजेपी की तरफ से बयानबाजी कर रहे हैं। नीतीश कुमार पर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा हमला। नीतीश की पार्टी नहीं है जेडीयू। कुछ लोगों ने शरद यादव की पार्टी पर कर रखा है कब्जा। उपेंद्र कुशवाहा के बैठक बुलाने पर जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का बयान। कहा सीमा पार कर चुके हैं उपेंद्र। 10 फरवरी को बिहार के भागलपुर आएंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से की मुलाकात। देश और राज्य से जुड़े मुद्दे पर दोनों नेताओं ने की चर्चा। रांची में कैश कांड मामले में विधायक राजेश कच्छप से ईडी की पूछताछ जारी। सोमवार को इसी मामले में ईडी ने इरफान अंसारी को की थी पूछताछ। कैश कांड को साजिश बताते हुए अपने ही पार्टी के विधायक अनूप सिंह पर भी साधा निशाना। उन्होंने कहा अनूप सिंह से ऐसा क्यों किया। अनूप सिंह ने इसका जवाब वही दे पाएंगे। उन्होंने खुद को कांग्रेस सिपाही बताया। रांची पहुंचे प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर मंत्री और नेताओं के साथ समीक्षा बैठक की। धर्माद में एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिटायर्ड अमीन साधु शरण पाठक के आवास पर मारा छापा। भू अर्जन घोटाले में साधु शरण है आरोपी। रामगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर यूपीए प्रत्याशी बजरंग महतो ने किया नामांकन। जीत का किया दावा। रांची के बोरियो में जेएमएम विधायक लॉबिन हेम्ब्रम ने सरकार पर साधा निशाना। महाअधिवक्ता को हटाने की मांग की। स्थानीय और नियोजन नीति पर सवाल खड़े किए। रांची में शिक्षक अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर सड़क पर उतरे। झारखंड टीईटी और गैर पारा शिक्षकों ने किया प्रदर्शन। प्राथमिक शिक्षक बहाली जल्द पूरी करने की कर रहे हैं मांग। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के झारखंड दौरे को लेकर तैयारियां तेज। धनबाद में जिलाध्यक्ष ने की कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। कार्यकर्ताओं से भारी संख्या में रांची पहुंचने का आह्वान। चाईबासा में आईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ का एक जवान घायल। सर्च ऑपरेशन के दौरान हुआ था आईईडी धमाका। घायल जवान को रांची में किया गया भर्ती। छपरा के मुबारकपुर कांड को लेकर कार्रवाई जारी। मामले में अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार। आरोपी मुखिया पति की तलाश में कई ठिकानों पर छापेमारी। छपरा में पीट पीट कर हुई हत्या और आगजनी के बाद गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। 2 दिनों तक इलाके में बंद रहेगी इंटरनेट सेवा। छपरा हिंसा पर ईडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार का बयान। कहा विप्त के घर पर ग्रामीणों ने किया था हमला। गया में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के बंकर को किया तबाह। 2000 कारतूस बरामद। आरा में बारात आए जूनियर इंजीनियर की गोली मारकर हत्या। शादी में डांस को लेकर हुआ था विवाद। कृष्णगढ़ थाना क्षेत्र के जगत गांव की घटना। धनबाद के झरिया में प्रेमिका के सामने युवक ने की खुदकुशी। वीडियो कॉल कर लगाई फांसी। प्रेमिका की दूसरी जगह शादी ठीक होने से नाराज था। पूर्णिया में छात्रावास से मिला छात्र का शव। संदिग्ध हालत में बॉडी मिलने से मचा हड़कंप। जांच में जुटी है पुलिस। बेगूसराय में हथियार के बल पर लूट का पुलिस ने किया खुलासा। आभूषण दुकान में हुई थी लूट। वारदात में शामिल 4 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ओडिया में पूर्णिया में निजी मॉल की सुरक्षा में तैनात गार्ड की संदिग्ध हालत में मौत। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। कोंटे में नशे की खेती के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी। 32 एकड़ में लगे अफीम की फसल को नष्ट किया गया। बेगूसराय में कुम्हार सरपंच पर अपराधियों ने किया हमला। 50 की संख्या में आए अपराधियों ने किया हमला। सरपंच ने पुलिस से लगाई रक्षा की गुहार। लातेहार में बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष किसलय तिवारी ने मसियातो गांव का किया दौरा। सुनीता देवी के परिजनों से की मुलाकात। शेखपुरा में महिला की गला घोटकर हत्या करने का मामला आया सामने। बताया जाता है कि महिला पशुओं के लिए चारा लाने गई थी लेकिन वापस नहीं आई। परिजनों की खोजबीन के बाद महिला का शव एक सरसों के खेत से बरामद हुआ। भोजपुर में शादी समारोह में डांस के दौरान हुए विवाद में रेलवे के जूनियर इंजीनियर की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया।
हत्या का आरोप गांव के ही कुछ युवकों पर लगा है। बताया जा रहा है कि कृष्णगढ़ थाने के जगतपुर पकड़ी गांव में डांस के दौरान स्टेज पर चढ़ने और फरमाइश गाने पर डांस को लेकर विवाद हुआ था। समस्तीपुर में लूट का विरोध करने पर अपराधियों ने एक निजी क्लिनिक के कंपाउंडर को गोली मारकर जख्मी कर दिया। SS-88 पर अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। सरायकेला के उगडी में जमीन कब्जा को लेकर मारपीट, नीम डी है पुलिस के सामने आदिवासी महिला और पुरुष की जमकर मारपीट की खबर। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। समस्तीपुर में मस्जिद की जमीन को लेकर दो गुटों में जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। हालांकि ये दोनों ही गुट एक समुदाय के हैं। मामला खानपुर थाने के जहांगीरपुर कोठिया गांव का है, जहां पर मस्जिद के 17 धुर जमीन विवाद को लेकर पिछले एक सप्ताह से लगातार मारपीट की घटना सामने आई। बेगूसराय के चर्चित मुखिया हत्याकांड मामले में मुख्य हत्या आरोपी पूर्व मुखिया महफूज अंसारी ने सरेंडर कर दिया और 2 फरवरी को आरोपी ने परना पंचायत के मुखिया की गोली मारकर हत्या की थी। साहिबगंज में रूबिका पहाड़न हत्याकांड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बोरिया थाने के पुलिस को मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने की पुष्टि जिले के SP ने की है, लेकिन रिपोर्ट में क्या है इसका खुलासा अब तक नहीं हुआ। रोहतास के इमली आदम खां मोहल्ले में पैसे लेने देने के मामले में धारदार हथियार से हमला करने का मामला सामने आया। हमले में 4 लोग जख्मी हो गए, जिनका इलाज चल रहा है। पटना सिटी के गौरीचक थाना क्षेत्र के पास सड़क हादसे में युवक की मौत, मुआवजे की मांग को लेकर लोगों का हंगामा, सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। बोकारो के बेरमो में कार की टक्कर से एक शख्स की मौत, हादसे के बाद परिजनों में कोहराम। जैना मोड़ सड़क पर हुआ हादसा। शेखपुरा के मसोड़ा गांव में खेत में सिंचाई करने के दौरान करंट की चपेट में आने से किसान बुरी तरीके से झुलसा, किसान का सदर अस्पताल में इलाज जारी। बेगूसराय में रफ्तार के खैर देखने को मिला, जहां 2 बाइक की आमने सामने टक्कर में 3 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना गढ़पुरा थाने के मौसमा चौक की है। पाकुड़ में 2 ट्रक टकराने से दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। कोयला लदे ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होने से 2 की मौके पर ही मौत, मरने वालों में चालक और उपचालक शामिल है। सरायकेला मुख्य मार्ग पर 4 गाड़ियों की में सीधी टक्कर, ट्रैक्टर टाटा मैजिक पल्सर और होंडा बाइक की टक्कर, हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल। बोकारो में रफ्तार का कहर देखने को मिला, मारा फारी थाना के दुग्गल गेट के पास बेकाबू ट्रक ने स्कूटी सवार को रौंदा, हादसे में 1 युवक की मौत जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल। मधुबनी के साहर घाट थाना इलाके में SH-75 पर दिखा तेज रफ्तार का कहर, हाईवे पर तेज रफ्तार बोलेरो और बाइक में जोरदार टक्कर। बांका में इंटर साइंस और हिंदी की परीक्षा संपन्न, परीक्षा खत्म होने पर छात्रों ने जताई खुशी, रंग गुलाल लगाकर एक दूसरे को बधाई दी। पश्चिम चंपारण के बेतिया में एक शख्स ने खोली बेवफा चाय की दुकान, प्यार में ठुकराए गए लोगों को देता है डिस्काउंट, प्रेमी जोड़ी को महंगे रेट पर पिलाता है चाय। गुमला के झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा आयोग को तेजी से शिकायतों के निपटारे को लेकर मिला 3रा स्थान, आयोग की इस उपलब्धि से कर्मचारियों में खुशी का माहौल। झारखंड के अनुबंधित चिकित्सा कर्मचारियों ने हड़ताल में 22वें दिन निकाली रैली, आक्रोशित रैली में सरकार पर लगाया गया वादा खिलाफी का आरोप। पारा चिकित्सा कर्मचारी और सहिया कर्मचारी के नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। धनबाद में प्रदर्शन कर रहे माड़ा कर्मचारियों के आश्रितों ने MD से नगर आयुक्त को बनाया बंधक, 351 दिन से दे रहे धरना, नगर निगम कार्यालय की तालाबंदी की। धनबाद के SLNT महाविद्यालय में नए CSC का उद्घाटन, कुलपति सुखदेव भोई ने किया उद्घाटन, CSC से बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई में मिलेगी मदद। गुमला में कई दिनों से सक्रिय हाथियों का झुंड खूंटी की ओर भागा, हाथियों के जाने से लोगों ने राहत की सांस ली है। जहानाबाद से एक निजी हॉल में जिले के सभी प्रखंड अध्यक्षों के मुखिया और प्रतिनिधियों की ब्रीफिंग बैठक में मुखिया, संघ के जिलाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संयोजक सहित 7 पदों का करवाया गया चुनाव। गोपालगंज में फुलवरिया प्रखंड के माध्यमिक विद्यालय कमलाकांत करारिया के प्रिंसिपल पर महादलित बच्चों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया, महादलित परिवार के लोग अपने बच्चों के साथ गोपालगंज के DM से गुहार लगाकर कार्रवाई की मांग की है। कैमूर के मोहनिया अनुमंडल अस्पताल का हाल बेहाल है, यहां एक्सरे करवाने के लिए थाने के जमादार और चौकीदार घंटों इंतजार करते हैं, लेकिन एक्सरे रूम का नहीं खुला। गोपालगंज में बकरी पालन के लिए शेड निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप, जांच टीम मौके पर पहुंची, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए शुरू की गई योजना। स्थानीय लोगों के मुताबिक शेड निर्माण के लिए जो भी सामग्री मंगवाई गई वो काफी घटिया है, जिसके बाद रोड लोगों ने शेड निर्माण करने से मना कर दिया।